दहिस्तर की सड़कों पर और एशिया के दूसरे नंबर थुपापट्टी गणपत पाटिल नगर में किया गया सैनिटाइजर का छिड़काव। मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोरोना वायरस को बढ़ते देख मरीजों को मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों को देखते हुए मुंबई महानगर पालिका द्वारा दहिस्तर पश्चिम के वार्ड क्रमांक 1 के सड़कों सहित गणपत पाटिल नगर के झोपड़ियों सहित सभी जगहों पर सैनिटाइजर किया गया। ये सैनिटाइजर अग्निशमन दल फायर ब्रिगेड की टीम ने आज शुरुआत कर दी है। धीरे धीरे इसी तरीके से सैनिटाइजर महानगर पालिका द्वारा पूरे मुंबई में किया जाएगा। फायर ब्रिगेड द्वारा सिर्फ सड़कों या गलियों को ही नहीं बल्कि सड़क पर खड़ी सभी गाड़ियों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। इस सैनिटाइज का असर 15 दिनों तक रहने वाला है। इस सैनिटाइज से जितने में मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों को देखते हुए मुंबई महानगर पालिका द्वारा दहिस्तर पश्चिम के वार्ड क्रमांक 1 से सड़कों सहित गणपत पाटिल नगर की झोपड़पट्टियों में सैनिटाइज करने शुरुआत फायर ब्रिगेड टीम ने आज से किया है। धीरे धीरे इस तरह का सैनिटाइज महानगर पालिका द्वारा पूरी मुंबई में किया जाएगा। फायर ब्रिगेड द्वारा सिर्फ सड़कों या गलियों को ही नहीं बल्कि सड़क पर खड़ी गाड़ियों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। इस सैनिटाइज का असर 15 दिनों तक रहने वाला है। इस सैनिटाइज से जितने में इलाके हैं जहां जानलेवा कीटाणु होंगे वह सब खत्म हो जाएंगे। पेश है सुप्रीम टीम समाचार की ये खास रिपोर्ट। कोरोना का जो संकट पूरे विश्व में आया है, भारत देश में भी है, उसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र में मुंबई में सबसे ज़्यादा कोरोना इफेक्टेड पब्लिक है। इसीलिए हम लोग हर एक लोक प्रतिनिधि हर जगह में अपने जो लोग हैं उनके सुरक्षा के बारे में अपने स्वच्छता के लिए हर जगह पे सैनिटाइज कर रहे हैं। मैंने मेरे विधानसभा में 48 पंप्स खुद दिए हैं, सैनिटाइज का मटेरियल दिया है। हर वार्ड में हमारे कार्यकर्ता खुद सैनिटाइज करके गली गली में घर घर में जाके कर रहे हैं। जो गणपत पाटिल नगर की हमारी जो बस्ती है इधर 12 से 15 हज़ार लोग रहते हैं। इस बस्ती में लाइट नहीं थी, पानी नहीं था, हमारे प्रयत्न से लाइट और पानी आ गई है। अभी हमारी जिम्मेदारी बनती है झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो लोग हैं उनके संरक्षण का। इसीलिए हमने मुंबई महानगर पालिका के ओर से आज यहाँ पूरे रोड के साइड में जहाँ जहाँ झुग्गी बस्ती है वहाँ हम लोग सैनिटाइज फायर ब्रिगेड के पंप के तरफ से कर रहे हैं। और जो इंटरनल एरिया है वहाँ हमने खुद पंप दिए हैं और लोगों को वहाँ सैनिटाइज करके जो हमारे पब्लिक टॉयलेट है, खास करके पब्लिक टॉयलेट में हमारे कार्यकर्ता जाके वहाँ स्प्रे करते हैं और वहाँ की स्वच्छता रखते हैं। मैं लोगों को कहना चाहती हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने, हमारे विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र जी ने है, इन्होंने सब ने आज यहाँ कोई भी पॉलिटिक्स न करते हुए भारत देश पे जो कोरोना का संकट आया है सब मिलके अपन सामने जाना है और कोरोना मुक्त दहिसर, कोरोना मुक्त मुंबई और कोरोना मुक्त महाराष्ट्र, कोरोना मुक्त भारत अपने को करना चाहिए। मैं जनता जनार्दन को बोलती हूँ, अगर आपका बहुत कोई इम्पोर्टेंट काम होगा तो ही आप बाहर निकले, नहीं तो जितने आप घर में रहेंगे इतना कोरोना जल्दी अच्छा हो जाएगा। माध्यम से जो भी हो रहे उसकी एक प्रक्रिया आज प्रभा क्रमांक 1 में चालू की है। मेरे ख्याल से कल से ही मुंबई महानगर पालिका ने यह सैनिटाइज करने की प्रोसेस, निर्जंतुकरण करने की प्रोसेस हर एक प्रभाग में चालू की है। आज प्रभाग क्रमांक 1 में गणपत पाटिल नगर, ये एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पे 1 से 14 नंबर गली है और 50,000 की लोक संख्या आज इस क्षेत्र में है। और 50,000 के लोग लोक संख्या में अगर एक घर में अगर आप देखें तो 10-10, 15-15 लोग एक घर में रहते हैं। आज इनको भी कहाँ डर है। और मुंबई महानगर पालिका के प्रशासन के माध्यम से जिस तरह से सैनिटाइजिंग का प्रोसेस हो रहा है, मेरे ख्याल से इसके वजह से ये जो सैनिटाइजिंग का आज प्रोसेस हो रहा है ये 12 दिन तक इसका प्रभाव इस क्षेत्र में रहने वाला है, मतलब 12 दिन तक इसका प्रभाव हो सकता है। तो इस तरह का ये सैनिटाइजिंग प्रोसेस हो रहा है। मैं पूरी जनता को एक ही अपील करता हूँ कि सरकार कह रही है कि आप घर से मत निकलो,
लोक प्रतिनिधि भी यही कह रहे हैं कि आप घर से मत निकलो। यही विनंती है कि जो दिए हुए 21 दिन है, 21 दिन से अभी मेरे ख्याल से कुछ 18 दिन अपने हाथ में है, 18 दिन की ही बात है मेरे ख्याल से, ये कोरोना वायरस को हम मुंबई कर हम महाराष्ट्र की जनता भगा के ही रहेंगे और कम से कम ये प्रभाव हमारे क्षेत्र में गिरे, ऐसे हमारी प्रथमता रहेगी। क्रेडिट लेने की बात नहीं है, मेरे ख्याल से ये मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से जो किया हुआ ये प्रक्रिया मेरे ख्याल से कल से आदित्य जी ठाकरे साहब ने चालू की है और ये किसी श्रेयवाद की लड़ाई नहीं है। मेरे ख्याल से हर एक पार्टी ने हर एक पक्ष ने एक साथ आना चाहिए और इस लड़ाई के हमारे उद्धव साहब ने कहा है कि एक तो प्रकार की लड़ाई है, एक महायुद्ध है, ये महायुद्ध को हम सभी ने साथ में मिलके एक साथ जुड़ के इसको दूर भगाना चाहिए, यही मेरी अपेक्षा है।